नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। अच्छा, क्या आप जानते हैं AN-94 क्या है? आप AK-47 का नाम तो सुने हैं ना, इसी तरीके से AN-94 है जो रशियन मेड हथियार है। इंडिया में ये ना तो आर्मी के पास है ना ही पुलिस के पास है, फिर ये हथियार इंडिया में कैसे पहुंचता है? ये हथियार अभी भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पास ही है, और अगर इस हथियार से कोई वारदात होती है, इससे कोई हमला होता है, किसी की हत्या होती है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कौन हो सकता है। ऑब्वियसली ISI। कुछ और भी सवाल हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या सिर्फ किसी रंजिश या टशन का नतीजा है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? वो साजिश जिसके तार सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जुड़े हुए हैं। क्या ये गैंगवार है या कुछ और है? इनके निशाने पे पिछले कुछ महीनों से सेलिब्रिटीज ही क्यों हैं? इसे लेकर के ये इनपुट आ रहा है सामने कि कहीं ना कहीं इन हादसों के पीछे ISI का समर्थन है, और इसके साथ ही K2 को भी जोड़ा जा रहा है। K2 यानी कि खालिस्तान और कश्मीर मिशन। आखिर इतनी सटीक मुखबिरी, फिर विदेशी गन से ताबड़तोड़ हमला, इसको समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ कुछ आंकड़े। पंजाब में इसी साल जनवरी से मार्च तक यानी कि 100 दिन में, केवल 100 दिनों के भीतर 158 मर्डर होते हैं। इसी बीच 14 मार्च की शाम को पंजाब के जालंधर में एक इंटरनेशनल खिलाड़ी संदीप नंगल की हत्या होती है। ताबड़तोड़ इन पे गोलियां चलती हैं, लगभग 20 गोलियां बरसाई जाती हैं। इस हत्या में भी गैंगस्टर पकड़े गए जिनका कनेक्शन कनाडा से है। स्नोवर ढिल्लो के हाथों मरवाने का दावा किया गया, यानी इसका तार भी कनाडा से जुड़ा हुआ है। इस घटना में जिस मुख्य गैंगस्टर सिमरजीत सिंह उर्फ जुझार सिंह उर्फ गैंगस्टर को जिसका नाम लिया जा रहा है, वो जहाँ छिपा हुआ था वहाँ से 18 जिंदा गोला बारूद और 12 बोर की राइफलें बरामद हुई। इसके बाद पंजाब में एक प्लेयर की हत्या होती है, फिर पंजाब के मोहाली इंटेलिजेंस दफ्तर पे धमाका होता है। आखिर पंजाब में इतना सब कुछ इतने बड़े पैमाने पे होने की वजह क्या है? इसके बारे में एक इंटेलिजेंस के ऑफिसर का जो इनपुट है उसमें ये दावा दिखाई देता है कि भले ही ये हत्याएं गैंगस्टर कर रहे हैं, भले ही ये हत्याएं गैंगस्टर एक दूसरे से दुश्मनी निकालने के लिए कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इनके पास इतनी बड़ी मात्रा में हथियार कहाँ से आ रहे हैं? पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के K2 मिशन का मतलब कश्मीर और खालिस्तान, यानी कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के साथ खालिस्तान को भी जिंदा रखना। वैसे पाकिस्तान से कश्मीर और पंजाब दोनों के ही बॉर्डर सटे हुए हैं, लिहाजा आसानी से इधर से उधर जो भी करना चाहे शैतान दबका वो कर सकता है। इससे पहले 2020 में ही पाकिस्तान के इशारे पे पंजा साहिब की परिक्रमा के दौरान सिख चरमपंथियों की तरफ से सिख रेफरेंडम 2020 के झंडे लहराने की बात सामने आई थी। इस मामले में NIA ने यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 9 दिसंबर 2020 को 16 सदस्यों पर FIR दर्ज की थी। इंटेलिजेंस से जुड़े अधिकारी ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इस मिशन यानी कि K2 पर इसलिए भी फोकस कर रही है कि अब कश्मीर में उनकी कोशिशें नाकाम हो रही है। ऐसे में अब खालिस्तान मूवमेंट की चिंगारी जो है वो भूत चुकी है, जिसे दोबारा से भड़काने की कोशिशें जारी हैं। 4 महीने में 6 ब्लास्ट होते हैं और टारगेट पे सिर्फ सेलिब्रिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया। पिछले सितंबर से दिसंबर तक अगर देखें तो 2021 तक पंजाब में 6 बम ब्लास्ट होते हैं। टारगेट किलिंग और करोड़ों रुपए की ड्रग तस्करी के मामले सामने आते हैं, और इसी साल इतनी सारी हत्याएं और संदीप सिंह नंगल का जो
मामला है, आपके सामने ही है। इनका सबसे बड़ा उदाहरण है हरविंदर सिंह रिंदा, ये आतंकवादियों के संपर्क में है। इसका काम आतंक को बढ़ाने के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश करना है। अब इसके लिए ऐसे युवा चाहिए जो कट्टर हों, जो कुछ भी करने के लिए तैयार हों। अब इसके लिए पंजाब में गन कल्चर और सोशल मीडिया पे टशनबाजी करने में जो यूथ है सबसे ज़्यादा आगे आ रहा है। अब ये यूथ किसी ना किसी गैंग से जुड़ा हुआ है, कोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग है तो कोई बम्बिया गैंग, ऐसे 70 से ज़्यादा एक्टिव गैंग्स हैं और 500 से ज़्यादा गैंगस्टर के हेल्पर समझिए जाओ उन्हें, उनके गुर्गे कहिए। इनके जरिए और भी युवाओं को जोड़ करके सेलिब्रिटीज़ को निशाना बनाया जा रहा है। रिंदा खुद कई दर्जन युवा गैंगस्टर को जोड़ करके अपना नेटवर्क चला रहा है। और जो सबसे सोचने की बात है, जो सबसे हैरान करने वाली बात है, जो गैंगस्टर के मुखिया जेलों में बंद हैं, वो लोग अपना नेटवर्क कैसे चला रहे हैं, उनके पास क्या है, उनके पास फ़ोन कहाँ से आ रहे हैं, कौन उन्हें वो सब सुविधाएँ मुहैया करवा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात माने तो पंजाब इंटेलिजेंस ने सुरक्षा एजेंसियों और सतर्कता विभाग को हाल ही में एक बड़ा सा इनपुट दिया था। उसके अकॉर्डिंग पंजाब में ऐसे 6 गैंगस्टर हैं जो किसी ना किसी रूप में पाकिस्तान की ISI के साथ जुड़े हुए हैं। इनमें से 3 अमेरिका, जर्मनी और कैनेडा में हैं, जबकि 2 पाकिस्तान और बेल्जियम में हैं। यहीं से ये साजिश रच रहे हैं, इसी के जरिए आधुनिक हथियार लेकर आ रहे हैं, ड्रग्स और गोला बारूद तक पंजाब में पहुंचाए जा रहे हैं। अब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के केस को अगर समझना है तो इस तरीके समझिए कि इस केस में कनाडा में मौजूद गोल्डी बरार का नाम सामने आ चुका है। गोल्डी कनाडा में है, इसे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का लेफ्ट हैंड कहा जाता है। अब लॉरेंस बिश्नोई जेल में रह करके नए नए युवा तैयार कर रहा है और आज ही एक ऐसा युवा सामने आया है जो अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई का भतीजा बता रहा है। उसने ये माना है कि पंजाबी सिंगर की जो भी हाल ही में घटना हुई है उसमें उसका हाथ है। उसने खुद ये एक मीडिया के सामने ये वाली बात कही है। हालांकि वो सामने नहीं आया है, लेकिन उसने चैनल पे अपना नाम लॉरेंस बिश्नोई के साथ जोड़ा है। असल में ये सब कुछ ऐसे चल रहा है, या तो फ़ोन के जरिए या तो फिर जेल में आए युवा बदमाशों को पहले ट्रेनिंग दी जाती है, बाद में उन्हें जेल से जमानत दिलाने के लिए मदद करते हैं वो, फिर वही बदमाश बाहर आकर के जेल से बाहर आते हैं और फ़ोन के जरिए बड़े बड़े जो गैंगस्टर बाहर बैठे हैं उनसे संपर्क करते हैं। मसलन गोल्डी बरार जैसे लोगों से संपर्क किया जाता है, फिर गोल्डी पूरी साजिश को समझा करके उन्हें हथियार दे करके सभी जरूरी जानकारियां मुहैया कराता है, फिर टारगेट को फिक्स कराता है और उसके बाद घटना को अंजाम दिया जाता है। और सिद्धू मूसेवाला केस में भी इसी तरीके से नेटवर्क पहले फिट किया जाता है, उसके बाद पूरी प्लानिंग की जाती है और उसी के बाद घटना को अंजाम दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम पंजाबी सिंगर की हत्या को समझें तो इसके तार दूर दूर तक जुड़े हुए हैं। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं मैंने जो आपसे कही हैं, लेकिन अवेयरनेस की बात यह है कि जेल में बाहर जो कुछ हो रहा है वो तो ISI प्लान कर रहा है, लेकिन जो जेल है, जेल के अंदर किस तरीके से जो गैंगस्टर हैं अपना गैंग चला रहे हैं, ये सोचने की बात है। फिलहाल इस पे फोकस किया जाना चाहिए। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस ने रिमांड पे लिया हुआ है और पूछताछ जारी है उससे, लेकिन आज ही एक ताज़ा घटनाक्रम और हो गया है। उसके एक रिश्तेदार ने, जो उसको लॉरेंस बिश्नोई को अपना मामा बता रहा है, उसने ये कहा है कि उसने भी पंजाबी सिंगर पे गोलियां चलाई हैं। तो ये सब इनपुट मिला करके जब हम देखते हैं तो सामने एक तस्वीर कुछ और ही बनती है। आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है इस बारे में, आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूंगी आपसे किसी और जानकारी के साथ, किसी और खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।